हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों बताने वाला दोस्तों कैसे दोस्तों हम अपने फ़ोन में दोस्तों हम फेस लॉक डाटा को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में फेस लॉक डाटा डिलीट करना है तो दोस्तों आप इसको कैसे डिलीट कर सकते हो, इस सेटिंग दोस्तों आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में, आज की वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले दोस्तों आपको अपना फ़ोन अनलॉक कर लेना है। जो कि दोस्तों डिवाइस पैटर्न है, पिन है दोस्तों, आप उसको एंटर कर लो, पैटर्न को ड्रॉ कर लो। और दोस्तों यहाँ पर आपको फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक कर लेना है पहले। ऐसे दोस्तों आप इस पर क्लिक दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर नीचे की तरफ सिक्योरिटी सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक सेटिंग पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको फेस लॉक पर क्लिक कर लेना है। और दोस्तों आपके पास जो पैटर्न है आपके फ़ोन में वो, या दोस्तों आपके पास अगर कोई पिन लॉक है दोस्तों आपको वो एंटर कर लेना है। जैसे दोस्तों मैं अपने पैटर्न को यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको डिलीट दिख जाएगा, आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। दोस्तों आपका फेस लॉक यहाँ से डिलीट हो जाएगा, फेस डाटा। और दोस्तों इसको डिलीट करना है दोस्तों आपके फ़ोन में फेस लॉक यहाँ पर शो नहीं होगा। अब दोस्तों आप अपने फ़ोन को अपने पैटर्न के द्वारा ही अनलॉक कर सकते हो, फेस लॉक से नहीं कर सकते। दोस्तों आप इस पैटर्न को भी डिलीट करना चाहते हो तो कैसे डिलीट कर सकते हो वो भी बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पर दोबारा से क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको स्क्रीन लॉक पे अपने पैटर्न को ड्रॉ करने लें। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सब डिलीट कर देना है। दोस्तों अब आपके फ़ोन से फेस लॉक भी हट गया है और पैटर्न लॉक भी है। दोस्तों यहाँ पे अपने फ़ोन को आप डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हो स्क्रीन को। और दोस्तों आपके पास स्वाइप लॉक भी नहीं रहेगा अगर आप नोन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। दोस्तों आप इसी तरीके से अपने फ़ोन में आप फेस लॉक डाटा को डिलीट कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको दोबारा से यूज़ करना है दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों दोबारा से सिक्योरिटी सेटिंग पर क्लिक करना है। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले आपको पहले एक पासवर्ड लगाना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके दोस्तों आप अपने फेस लॉक को सेट कर सकते हो, दोबारा से यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़ करना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक नमस्कार दोस्तों, कोई भी डाउट हो आपको अपने फेस लॉक सेटिंग से, सिक्योरिटी सेटिंग से, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको अपनी वीडियो बनाऊँगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।